और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जरूरत के अनुसार अस्पतालों में बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होगी। हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने आज इसकी घोषणा की है। इसमें सेना के रिटायर्ड जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज सुबह रायपुर में अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बात भी की। मंत्री जायसवाल ने कई जगह पर व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही अब सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा और इसमें रिटायर्ड सेना के जवानों को प्रायोरिटी दी जाएगी। औचक निरीक्षण आज अस्पतालों का किया है श्याम बिहारी जायसवाल ने, जिसके बाद ये आदेश उनकी तरफ से जारी किया गया। मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल आज राजधानी रायपुर के कई अस्पतालों में औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं और अपने इस निरीक्षण के दौरान वो अस्पतालों में संचालित व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद हैं, इसलिए उनसे ही बात करते हैं। कई अस्पतालों में आज अपना औचक निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ पाया आपने? राज्य के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मैं कह रहा अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ लोगों की जो विश्वास है माननीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, जो सरकार की मंशा है कि आम जनता को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उसके लिए जो भी सुधार की आवश्यकता है, जो भी व्यवस्थाओं में और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए हम सतत रूप से कर रहे हैं। आज मैं मेकाहरा गया था, पहले से व्यवस्थाएं काफी बेहतर हैं और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छी व्यवस्थाएं कैसे हो सके, उसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की अव्यवस्थाएं आपने अस्पतालों में दी? देखिए, पहले से काफी व्यवस्था है। सुबह सुबह का समय था 6:30 बजे, फिर भी साफ सफाई में लोग लगे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, नर्सेस अपना ड्यूटी कर रहे थे, इमरजेंसी में डॉक्टर थे, मरीजों को उपचार कर रहे थे, सभी लोग अपने अपने ड्यूटी में थे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, आपने बातचीत भी की है श्याम बिहारी जायसवाल से और आपने उनसे बातचीत में ये पूछा, उनसे ये जाना कि आखिर क्या रोडमैप अस्पतालों के लिए तैयार किया जा रहा है, क्या बड़ी बातें उन्होंने की हैं और जो आदेश उन्होंने जारी किया है सुरक्षा कर्मियों को लेकर, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल आज राजधानी रायपुर के कई अस्पतालों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंडरी स्थित जिला अस्पताल में, मेकाहारा में और इसके अलावा कालीबाड़ी के अस्पतालों में जो है औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की, इसके साथ ही अस्पताल में संचालित व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही सभी अस्पतालों के जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, उन अस्पतालों की समस्याओं को उन्होंने जाना। इसके साथ ही जिन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सकता था उन समस्याओं का त्वरित निराकरण भी वहां पर किया गया और किसी तरह की गड़बड़ी अगर अस्पतालों में पाई गई है तो उस गड़बड़ी पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। इसके साथ ही कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस के मामले में अब छत्तीसगढ़ में भी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी अस्पतालों में सुरक्षा के लिहाज से बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की बात उन्होंने कही है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इन बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही इसमें सेना से रिटायर्ड जवानों को जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब अस्पतालों को थाने से जो है जोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि अस्पताल वाले जो है थाने से संपर्क में रहकर किसी तरह की अप्रिय घटना इस दौरान होती है तो जल्द से जल्द इन समस्याओं का जो है वो निपटारा किया जा सके। इन तरह की तमाम आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई अस्पतालों में हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा औचक निरीक्षण जो है वो किया गया था और लगातार आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। उनका कहना है कि आम पब्लिक को किसी भी तरह की अस्पतालों में अनसुविधा न हो और ऐसे में जहाँ जहाँ भी किसी भी तरह की असुविधा जो है वो पाई जा रही है वहाँ वहाँ उन असुविधाओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है और अच्छी व्यवस्थाएं जो है वो हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा अस्पतालों में मुहैया कराई। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए और आगे बढ़ेंगे खबरों में। बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की। शराब के नशे में दवाई लेने पहुंचा युवक उप स्वास्थ्य केंद्र में, स्टाफ नर्स थी मौजूद, शराबी ने स्टाफ से बदसलूकी भी की है। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र सिरौली का यह मामला है और देखिए नशे में कैसे दवाई मांग रहा है। बना रहा है, बना लो, दारू पिए हो ना? बैच नंबर आप बताओ, बैच नंबर बताओ किसका? अपना, पुलिस स्टाफ हो ना? हाँ, बैच नंबर क्यों बताऊंगा तेरे को? क्यों नहीं बताओगे? होता कौन है पूछने वाला? तो पुलिस वाला है ना, तो होता कौन है पूछने वाला? पुलिस वाले बोला ना। तो सुना आपने किस तरह की बदसलूकी करता हुआ ये शराबी युवक नजर आया और ये पहुंचा था दवा लेने के लिए, शराब के नशे में दवाई लेने ये पहुंचा। सुजीत शाह संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, इस तरह बदसलूकी करते और पुलिस से ही बैच नंबर पूछते ये व्यक्ति कौन और अब क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है?
जी देखिए, पूरा मामला जो है सिरौली के उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पे देर रात जो है युवक जो है शराब के नशे में, दो युवक पहुंचे हुए थे और शराब के नशे में ही अस्पताल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जहां स्टाफ नर्स जो है अकेले मौजूद थी, जिसको देखते वहां पे स्थानीय जो पुलिस कर्मी था वो भी पहुंच गया, जिसके बाद जो है ये लगातार बदतमीजी पे उतर आया और रात में ही आता है और इसी तरह से बदतमीजी करता है, शराब के नशे में रहता है, स्टाफ नर्स मौजूद रहती है वहां। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मी जो है लगातार जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जो इंटीरियर क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ऐसे जगह पे किसी प्रकार कोई वहां मौजूद नहीं रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, और ऐसे में जो शराबी युवक पहुंचते हैं कहीं ना कहीं एक जो स्वास्थ्य कर्मी पर जो सुरक्षा के सवाल एक बड़ा खड़ा होता है। वहीं जो पुलिस स्टाफ वहां मौजूद था, जिसकी वजह से यह जो अनहोनी होने से जो रुक गई, लेकिन अगर पुलिस स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं होता और इस तरह की घटना होती, कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी लगातार जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं उसको देखते हुए ये आज जो घटना हुई है कहीं ना कहीं बड़ी घटना भी हो सकती है। इससे पहले भी जो है जिले में जो स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर एक बड़ी घटना हो चुकी है, ऐसे देखते हुए लगातार जो है ग्रामीण अंचल में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है स्वास्थ्य कर्मी जो खासकर नर्सिंग स्टाफ रात में जो ड्यूटी करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सुजीत आप क्या बोले? और अब खबर दुर्ग से आ रही है, जहां स्कूटी से जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पहले डिवाइडर से टकराई स्कूटी और फिर सामने से आ रही कार ने उसे रौंद दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है, आप भी देखेंगे घटना तो आपकी रूह कांप जाएगी। रिसाली कृष्णा टॉकीज रोड पर यह हादसा हुआ है और हादसे में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, पहले डिवाइडर से टकराती है ये स्कूटी और फिर वहां से आ रही एक कार जो है वो रौंदते हुए आगे निकल जाती है। हालांकि आसपास भी कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिलता है। डिवाइडर से स्कूटी टकराती है और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आखिर क्या वजह थी जो डिवाइडर से पहले स्कूटी टकराई और फिर पलटी खाकर नीचे गिरी और कार ने रौंद दिया? क्या यहाँ पर ड्राइवर नशे में था या क्या दिक्कत थी या फिर रास्ता नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत थी यहाँ पर? देखिए, आपको बताऊं कि ये फिलहाल के कृष्णा टॉकीज रोड रिसाली का ये पूरी घटना है, जब तीन दोस्त मिलकर स्कूटी में सवार होकर ये जा रहे थे। स्कूटी अनियंत्रित होती है और वो डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और टकराने के बाद जो पिछले का हिस्सा है वो उठ जाता है। इस वजह से जो पीछे सबसे पीछे जो बैठा हुआ युवक होता है वो उछल के दूसरी ओर जा गिरता है और उसी दौरान जो है वो पीछे से कार आती है और उसको टोक देती है। ये दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ है, जब एक फिल्मी स्टाइल में कोई उछलते हुए आता है और गाड़ी के नीचे आकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में दो घायल हैं, युवक जो साथी घायल थे उनका भी इलाज चल रहा है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तो और भी मामला समझ में आ पाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही थी, लेकिन प्रथम दृष्टया यही नजर आ रहा है कि जो स्कूटी है वो अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होकर वो डिवाइडर से जा टकराई और उसी के कारण एक युवक की मौत हुई है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, निवई पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां पर तेंदुआ दिखाई दिया है। पौड़ गांव के पास एक तेंदुआ नजर आया है, शिकार पर घात लगाए तेंदुआ बैठा था। कल हाथी ने महिला को कुचल कर मार दिया था। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और अब हाई अलर्ट जारी है तेंदुए को लेकर। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, क्या वन विभाग की नजर इस पर है? इसका देखिए, ये जो तेंदुआ है ये पोर्ट कुप्ता डैम के पास दिखा है, जो घात लगाकर बैठा हुआ था अपने शिकार के लिए। और ठीक इसी गांव में कल जो एक दंतैल हाथी ने दो महिला पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई और एक घायल है। और ठीक उसके बाद जब तेंदुआ दिखा तो ग्रामीणों में दहशत का अलर्ट है। गांव के करीब तेंदुआ मौजूद है, इस मौजूदगी को देखते हुए विभाग ने उसे खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और आसपास घना जंगल है तो यहां तेंदुआ लगातार अपने शिकार के लिए पहुंचता है। इसको देखते हुए ग्रामीणों में काफी ज्यादा डर का माहौल है और हाथी के हमले से ग्रामीण और परेशान हुए हैं कि कहीं एक और घटना तेंदुए के हमले से ना हो जाए। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने पूरे गाँव में हाई अलर्ट जारी करके रखे हैं और लोगों को जंगल की ओर जाने से मना कर रहे हैं और तेंदुओं के हर गतिविधियों पर वन अमला जो है नजर बनाकर रखे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी साझा करने के लिए।
धमतरी में दंतैल हाथियों की दहशत है और केरेगांव फॉरेस्ट रेंज में 3 दंतैल हाथियों की हलचल काफी तेज हो गई है। जंगल से बस्ती की तरफ जाते दिखे हैं हाथी। आसपास के 13 गांवों में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को जंगल नहीं जाने और सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। भिलाई से खबर है जहां भिलाई इस्पात प्लांट के अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। चैंबर में बेहोश मिले अधिकारी, अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जनरल ड्यूटी के दौरान बेहोशी की हालत में वो मिले थे और अचानक से देखिए अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। चैंबर में बेहोश मिले थे अधिकारी, अस्पताल ले जाने के बाद जब देखा गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब खबर राजनांदगांव से है जहां प्रेमिका से मिलने गए युवक की जबरदस्त पिटाई की गई और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। काफी ज्यादा ग्रामीणों ने युवक को पीटा है और जमकर पिटाई की है। डूडा गांव का ये युवक बताया जा रहा है जो कि राजनांदगांव आया था प्रेमिका से मिलने के लिए, लेकिन देखिए बेरहमी से पीटते हुए यहां पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं। इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था और इसने यहाँ पर जैसे ही इसको ग्रामीणों ने देखा इसको बुरी तरीके से पीटा गया। अपन बेटे नहीं नहीं वो पागल हो गई का मन हो इधर ही ना ते मां जाए कर लेते नी देखन सका ते जाओ ढन पागल हो गई का मन हो